स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बुलेट ट्रेन के बारे में बताने वाला हूं, साथ में इसका किराया भी बताने वाला हूं। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक बने रहे। अश्विनी वैष्णव ऑन बुलेट ट्रेन फेयर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2026 में शुरू होने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन के किराए को लेकर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि ये किराया फ्लाइट से कम होगा। मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि बुलेट ट्रेन के संचालन साल 2026 से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार यात्रियों की सुविधा पर रात दिन काम कर रही है। सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, इसका परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। किराए के लिए फर्स्ट एसी को आधार बनाया जा रहा है। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन के किराए को लेकर भी इशारा दिया था। उन्होंने कहा था किराए पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है, लेकिन ये लोगों की पहुंच में है होगा। इसके लिए फर्स्ट एसी को आधार बनाया जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। इससे ये साफ अंदाज़ा लग रहा है कि बुलेट ट्रेन का किराया फर्स्ट एसी के बराबर होगा, फ्लाइट से कम होगा बुलेट ट्रेन का किराया। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि बुलेट ट्रेन का किराया फ्लाइट से कम होगा और इसमें सुविधा भी अच्छी मिलेगी। हालांकि उन्होंने ये कहा कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ये कि किराया तय किया जाएगा। देश की बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही दूसरी हाई स्पीड रेल परियोजना शुरू की जाएगी। 2026 में पहली बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य व अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए सूरत भी गए थे। उन्होंने कहा था सरकार ने सूरत और बिलीमोरा के बीच 2026 में पहली बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है। इसमें अच्छी प्रगति हो रही है और हमें विश्वास है कि तब तक हम ट्रेन चलाने का काम पूरा कर लेंगे। मुंबई और अहमदाबाद के बीच 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है। दोनों शहरों के बीच कुल 508 किलोमीटर की दूरी है। इसमें 12 स्टेशन होंगे। इस ट्रेन से दोनों शहर के बीच यात्रा का समय घटकर 3 घंटे रह जाएगा। अभी इसमें 6 घंटे का समय लगता है। इस प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 1.1 लाख करोड़ रुपए है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ।